भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एकमात्र भव्य मोबाइल शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल, गांधी मूर्ति के सामने मेन रोड बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सागर के जड़ुआखेड़ा के ठाकुर बाबा मंदिर के पास बाघ के चहलकदमी करने का एक वायरल वीडियो ने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। वीडियो को देख एक बार तो अधिकारी भी चकरा गए। तत्काल ही उन्होंने एक टीम बनाई और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर यह वीडियो बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे तो जांच के बाद सामने आया है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही ना तो वह जगह है और ना ही यहां कोई बाघ है, और जो बाघ की जगह बताई जा रही वहां कोई पग मार्ग दूर दूर तक नहीं मिले हैं। ये वायरल वीडियो फेक है, इसकी अफवाह उड़ा दी गई है। सागर में पिछले 4-5 दिन से बारिश हो रही है जिसकी वजह से मिट्टी गीली है, लेकिन वायरल वीडियो में मिट्टी सूखी दिखाई दे रही है। साथ ही इस वीडियो में कुछ सेकंड के लिए हरी नेट दिखाई दे रही है, जबकि जड़ुआखेड़ा में जो थर्ड लाइन के लिए काम किया जा रहा और मिट्टी का कटाव किया गया है वहां पर किसी भी तरह की हरी नेट का उपयोग नहीं किया गया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस इलाके में पहले कभी बाघ नहीं देखा गया, इसके लिए बाकायदा वहां के दुकानदारों, ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी बाघ को या बाघ के मूवमेंट को नहीं देखा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कोई बाघ नहीं आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि ठाकुर बाबा मंदिर के पास जो थर्ड लाइन का काम करने के लिए कटाव बनाई गई है वहां पर बाघ है। वायरल वीडियो के बाद लोग डर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने ये वीडियो अधिकारियों तक भी भेज दिया था। वन विभाग की टीम ने जाँच की तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रेंजर चंद्रभूषण ठाकुर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई बाघ नहीं आया है, ना ही बाघ का कोई मूवमेंट है, इसलिए लोग निश्चिंत रहें, किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास भी, मेरे संज्ञान में भी ये मुद्दा आया था और मैंने भी वो जो वीडियो देखा जो कहा जा रहा है कि ठाकुर बाबा के पास कटन के यहाँ टाइगर देखा गया है, हमने स्टाफ भी भेजा है और साथ में जिन लोगों ने कहा कि हमने देखा है उन लोगों को ले जाके हमारे स्टाफ ने जो है मौके पे मौका स्थल निरीक्षण किया, क्योंकि टाइगर अगर कहीं मूवमेंट करता है तो उसके पंजे के निशान या पग मार्ग जरूर छोड़ता है, और बरसात का सीजन है, मिट्टी के लिए अगर कहीं मूवमेंट करते भी है वाइल्ड लाइफ तो पंजों के निशान जरूर आते हैं। तो मौका स्थल पे ना स्टाफ को कोई भी पंजों के निशान मिले हैं, साथ में जो लोकल के वहाँ के स्थानीय दुकानदार थे उनको भी ले जाके उनने निरीक्षण किया है, तो किसी भी प्रकार के पंजों के निशान किसी भी प्राणी के, वन्य प्राणी के, नहीं पाए गए। इसके अलावा जो वीडियो में जगह दिखाई जा रही है वो और ठाकुर बाबा की जो जगह है उसमें काफ़ी अंतर है। पहली बात, ये वीडियो कल का बताया जा रहा है जबकि अपने यहाँ 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो पूरी मिट्टी गीली है और वीडियो में जो मिट्टी दिखाई जा रही है वो सूखी हुई है। दूसरी बात की वीडियो के आखिरी में 28 या 29 सेकेंड बाद एक ग्रीन कलर की नेट दिख रही है कोने में ऊपर, जबकि अपने यहाँ मौके पे किसी तरीके की ग्रीन नेट वो साइड वालों ने या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं लगाई गई है। इसके अलावा ये गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी किसी परियोजना के लिए पहाड़ों को काटा जाता है तो प्रोसीजर यही होता है कि सीढ़ी नुमा आकार में उनको काटा जाता है स्टेप बाई स्टेप, तो वो एक समानता होने के कारण लोगों में ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि ये अपने यहाँ का है, जबकि हर जगह पेड़ों पहाड़ों की कटाई इसी तरीके से होती है किसी भी परियोजना के लिए की जाती है, और अगर मूवमेंट होता तो बरसात का समय है, मिट्टी गीली रहती है, मिट्टी में पगमार्ग जरूर आते हैं। टाइगर एक बहुत ही वजनदार प्राणी होता है जिसका 200 से 300 किलो के बीच में वजन होता है, और कहीं मूवमेंट करता है तो वो अपने पगमार्ग या पंजों के निशान जरूर छोड़ता है, तो मौके पे किसी भी तरीके के पंजों के निशान नहीं है पूरी साइड पे, उसका निरीक्षण किया जा चुका है। वीडियो कहीं अन्यत्र का है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अपने वन परिक्षेत्र खुरई के अंतर्गत ना पहले कभी टाइगर का मूवमेंट रहा है, ना निवास है और ना अभी है। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एकमात्र भव्य मोबाइल शोरूम, जहां सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बजाज एवं टीवीएस क्रेडिट से 0% ब्याज पर फाइनेंस किए जाते हैं।
साथ ही उचित रेट पर मोबाइल रिपेयरिंग, सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विक्रेता। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719902577।